बजट वेबिनार में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में की चीन की तारीफ, कहा चीन शांति पसंद देश, वहां की सरकार कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। अमित शाह ने कांग्रेस पे कसा तंज, बोले त्रिपुरा मेघालय नागालैंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, दूरबीन से भी नहीं दिख रही। पवन खेड़ा के अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, पीएम मोदी पर विवादित बयान देने को लेकर गिरफ्तार हुए थे। त्रिपुरा के मानिक शाह ने दिया इस्तीफा, बतौर सीएम प्रतिमा भौमिक हो सकती है बीजेपी की पहली पसंद। आजीवन कारावास की सजा काट रहे वृद्ध और बीमार बंदी होंगे रिहा, सीएम योगी ने सभी जेलों से मांगा ब्यौरा। अखिलेश ने खुद अपने हस्ताक्षर कर वापस लिया केस, आतंकी हमले के 21 आरोपितों के 14 मुकदमे भी हुए थे वापस। मुश्किलों में अखिलेश का करीबी यादव परिवार, एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र की पत्नी की जमीन कुर्क। इस्पात मिल की भट्टी में विस्फोट, 4 मजदूर झुलसे घायल, बोले विदेशी स्क्रैप में बारूद जैसा कुछ था, उसी से धमाका हुआ। रंगभरी एकादशी से अयोध्या के मंदिरों में होली तेज, हनुमानगढ़ी के सामने संतों ने खेली होली। बेलारूस में नोबेल विजेता को 10 साल की जेल हुई, सरकार विरोधी धरनों की फंडिंग करने का आरोप। इंडोनेशिया के फ्यूल स्टोरेज स्टेशन में आग लगी, 2 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत, 50 लोग झुलसे। यूक्रेन जंग को जायज ठहराने रूसी विदेश मंत्री का पलटवार, कहा सिर्फ हमसे ही नहीं अमेरिका से भी इराक। ईरान में छात्राओं पर केमिकल अटैक, पढ़ाई से रोकने के लिए सैकड़ों को दिया जहर, माओ ने विरोध किया तो बाल पकड़ कर खींचा। यूएन में भाषण देने वाली नित्यानंद की शिष्या की सफाई, बोली हम भारत का सम्मान करते हैं। इंदौर की पिच को आईसीसी ने बताया खराब, तीसरे टेस्ट के पहले दिन 16, दूसरे दिन 14 विकेट गिरे, 3 डिमेरिट पॉइंट कटे। रोहित ने माना टीम इंडिया ने मांगा था स्पिन ट्रैक, कहा फैसला सभी का था, हमने पहली पारी में अच्छी बैटिंग नहीं की। 6 साल बाद बांग्लादेश घर में सीरीज हारी, दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 132 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त। स्टीव स्मिथ ने कहा WTC फाइनल में पहुंचकर खुश हूं, बोले भारत में कप्तानी करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अगला मैच भी जीत। हरभजन सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, अक्षर को भी भूल ही गए। मुंबई के इवेंट में पहुंची कियारा आडवाणी, येलो ड्रेस में दिखी खूबसूरत, चेहरे पर दिखी वेडिंग ग्लो। बड़े वजन की वजह से ट्रोल हुई जरीन खान, जिम के बाहर आई नजर, वीडियो देख यूजर्स बोले बहुत ज्यादा मोटी हो गई। बॉयफ्रेंड के साथ एक इवेंट पे पहुंची सुजैन खान, ग्लैमरस लुक में अरसलान के साथ दिए पोज, फैंस बोले मिसमैच जोड़ी। दीपिका पादुकोण प्रेजेंट करेंगी ऑस्कर अवार्ड, 2016 में प्रियंका चोपड़ा को मिला था मौका। पेपराजी संग मस्ती मजाक करती दिखी जया बच्चन, पोज देते हुए बोली देखा मैं कितनी स्माइल करती हूं।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।